Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. वास्तुशास्त्र में हर चीज के लिए दिशा निर्धारित कर दी गई है। उसी तरह से घर में फोटो फ्रेम्स को लगाने के लिए भी दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है। अपनी यादों को ताज़ा रखने के लिए अक्सर हम घरों में फोटो फ्रेम्स लगाते हैं। घर में सदस्यों को ही एक साथ तस्वीरों को देखने से रिश्तों में मजबूती बढ़ती है, लेकिन कई बार गलत दिशा में लगाई गई फोटो फ्रेम्स आपके रिश्तों को खराब कर सकती है। वास्तुशास्त्र में हर चीज के लिए एक दिशा निर्धारित कर ली गई है। उसी तरह से फोटो फ्रेम्स को लगाने के लिए भी दिशाओं का ज्ञान होना बेहद जरूरी है। परिवार के सदस्यों की तस्वीर लगाने के लिए घर की उत्तर दिशा, पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व दिशा का प्रयोग किया जाना चाहिए। ऐसा करने से परिवार के सदस्यों के बीच प्यार बना रहता है, घर में खुशियाँ आती हैं। इसके अलावा इन दिशाओं में करीबी रिश्तेदारों की तस्वीरें भी लगाई जा सकती हैं, परंतु इसके अलावा किसी भी दिशा में परिवार के सदस्यों की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। अगर घर में कलह क्लेश बहुत ज़्यादा होता है तो पूरे परिवार की एक तस्वीर पूर्व की दिशा में ज़रूर लगाएं। अगर दंपत्ति अपनी तस्वीर लगाना चाहते हैं तो कोशिश करें कि फोटो फ्रेम्स में एक साथ ही तस्वीर लगाएं, अलग अलग फ्रेम्स ना रखें। घर के दक्षिण पश्चिम दिशा मृत परिजनों की तस्वीर लगाने के लिए इस्तेमाल की जानी चाहिए। रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा की तस्वीर का होना शुभ माना जाता है, लेकिन यदि रसोई घर अग्नि कोण में नहीं है तो ऋषि मुनियों की तस्वीर लगाएं। घर में युद्ध प्रसंग, रामायण या महाभारत की युद्ध के चित्र, क्रोध, वैराग्य, डरावना, विभत्स, स्त्री, रोता बच्चा, अकेला, सूखे पेड़, कोई भी चित्र नहीं लगाना चाहिए। धन की लाभ की कामना करते हुए तो उत्तर दिशा में लक्ष्मी और कुबेर की तस्वीर जरूर लगानी चाहिए।